करुणा की दिव्य चमक। आज हम इस पाठ का वर्णन करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। फादर बेल्जियम से भारत में राम कथा पर शोध करने आए डॉक्टर कामिल बुल्के को कहा गया है। उनकी मृत्यु गैंग्रीन से हो गई थी। गैंग्रीन एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है, जिसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फादर कामिल बुल्के का अन्य लोगों के प्रति व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण और मधुर था। वे सबसे खुले दिल से मिलते थे। उनके मन में सबके प्रति ममता और अपनत्व का भाव भरा रहता था। वे सबको सुखी देखना चाहते थे। फादर कामिल बुल्के को ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वे अपने सभी कार्य उस परमात्मा को समर्पित करते करते और कहते कि परमात्मा की इच्छा को सब कुछ मानकर अपना कार्य करना चाहिए। वे परमात्मा के दिए हुए सुख दुखों को उसकी देन मानकर स्वीकार करते थे। उम्र की आखिरी देह यानी बुढ़ापा, इन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। जब सारा जीवन फादर बुल्के लोगों की भलाई करते रहे, तो उन्हें बुढ़ापे में ईश्वर ने इतनी कष्टप्रद भयंकर बीमारी उनकी कौन सी परीक्षा लेने के लिए दी। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा है जैसे हम खामोश बैठकर उदासी से भरा हुआ शांति प्रदान करने वाला संगीत सुन रहे हों। उन्हें स्मरण करने से उदासी घेर लेती है, परंतु उनके शांत स्वरूप का ध्यान आते ही मनोरम संगीत सिक्के स्वर से गूंजने लग जाता है। फादर बुल्के को देखने मात्र से ऐसा लगता था जैसे उन्हें देखकर हम किसी पवित्र सरोवर के उज्जवल जल में स्नान करके पवित्र हो गए हों। उनसे बातचीत करना और उनकी बातें सुनना हमें कर्म की प्रेरणा भर देता था। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। इस संस्था में समय समय पर साहित्यिक विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती रहती हैं। इन गोष्ठियों में तत्कालीन साहित्य की विविध विधाओं पर चर्चा होती थी। इन गोष्ठियों में नए पुराने सभी साहित्यकार अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। घर के उत्सवों में फादर बुल्के सबके साथ मिलजुल कर उत्साह से भाग लेते थे। वे एक बड़े भाई के समान या एक पारिवारिक पुरोहित के समान सबको आशीर्वाद देते थे। उनके इस व्यवहार से सभी पुलकित हो उठते थे। फादर बुल्के ने दृढ़ निश्चय पूर्वक संन्यास लिया था। उन्होंने किसी के कहने में आकर संन्यास नहीं लिया था। किसी लालच के वशीभूत होकर और कम क्षेत्र के पलायन के लिए भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास लिया था। एक सन्यासी होते हुए भी फादर बुल्के रिश्तों की गरिमा समझते थे तथा रिश्तों को निभाना जानते थे। जिसके साथ उनका कोई संबंध बन जाता था, उसे वे अंतकाल तक निभाते थे। वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे। लेखक कहता है कि यदि फादर बुल्के वर्षों से कई वर्ष बाद मुलाकात होती थी, तो वे इतनी प्रगाढ़ता से मिलते थे कि उनके साथ उसके जो रिश्ते थे, उसकी गहराई की सुगंध उस मिलन से महसूस होती थी। उनका अपनापन रिश्तों को और अधिक मजबूती देता था। लेखक बताता है कि जब वह दिल्ली में रहता था, फादर बुल्के जब भी दिल्ली आते थे, तो वे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर उनसे मिलने अवश्य आया करते थे। इस प्रकार मिलने में चाहे उन्हें गर्मी अथवा सर्दी का सामना करना पड़ता, वे इसकी चिंता नहीं करते थे। चाहे कुछ पलों के लिए मिलना हो, वो अवश्य ही मिलने आते थे।
उनकी इसी स्वभावगत विशेषता के कारण लेखक को कहना पड़ा कि ऐसा प्रयास कोई भी सन्यासी नहीं करता। फादर बुल्के को इस बात की चिंता रहती थी कि राष्ट्रभाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए वे जहाँ कहीं भी वक्तव्य देते थे, अपनी इस चिंता को व्यक्त करते थे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के पक्ष में उचित तर्क देते थे। फादर बुल्के इसी प्रश्न पर झुंझलाते थे कि हिंदी को अपने ही देश में उचित सम्मान नहीं मिला। उन्हें इस बात पर बहुत दुख हुआ था कि स्वयं हिंदी बोलने वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी का अनादर और अनदेखी करने पर वो बहुत दुखी हो जाते थे। यदि कोई दुखी व्यक्ति फादर बुल्के को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता था तो वो इस प्रकार से सांत्वना देते थे मानो उसके सभी कष्ट दूर हो गए हों। लेखक को लगता था कि शब्दों से सांत्वना देते थे तो उस व्यक्ति को लगता कि वह बिल्कुल खुश हो गया है। यह दुखी के दुख को दूर करने और सांत्वना के इन शब्दों को गहरी तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने फादर बुल्के के स्वभाव में सबके प्रति ममता, स्नेह, दया, करुणा आदि गुणों को देखकर यह कहा कि वो तो एक ऐसे विशाल वृक्ष के समान है जो सबको छाया, फल फूल और सुगंध प्रदान करता रहता है पर स्वयं कुछ भी नहीं लेता है। फादर बुल्के भी अपना स्नेह इसी प्रकार से बांटते थे। लेखक के लिए फादर बुल्के की स्मृति पवित्र भावनाओं से युक्त है, जैसे किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तपस्या हमेशा ही अनुभव की जाती है। उसी प्रकार लेखक के मन में भी फादर की पुनीत स्मृति बनी रहती है। उनके जीवन की सदाशयता ने लेखक के मन में यह भावना जागृत की है। लेखक ने इस आलेख में यह बताया कि जीवन के कुछ पलों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह उनकी पवित्र और करुणामयी जीवन पद्धति से प्रभावित रहा है। लेखक के लिए फादर कामिल करुणा की दिव्य चमक के समान थे। वे लेखक के लिए बड़े भाई के समान मार्गदर्शक थे, आशीर्वाद देते थे और शुभचिंतक थे। लेखक को उनके जैसा हिंदी प्रेमी सन्यासी होते हुए भी संबंधों को गरिमा प्रदान करने वाला, सबके सुख दुख को का साथी अन्य कोई भी दिखाई नहीं देता था। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी क्योंकि वे हर उत्सव और संस्कार पर बड़े भाई और धर्म गुरु की तरह शुभाशीष देते थे। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारतीय थे। उन्हें हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध किया था। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतर किया। उन्होंने मसीही धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबिल का भी हिंदी अनुवाद किया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनके शोध राम कथा उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। उन्होंने परिमल में भी कार्य किया। वे सदैव हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिंतित रहते थे। इसके लिए वे प्रत्येक मंच पर आवाज उठाते थे। उन्होंने उन लोगों पर झुंझलाहट दिखाई है जो हिंदी जानते हुए हिंदी का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन के
73 वर्ष में से 47 वर्ष भारत को दिए। उन 47 वर्षों में उन्होंने भारत के प्रति, हिंदी के प्रति और यहाँ के साहित्य के प्रति विशेष निष्ठा दिखाई है। उनका व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। उन्होंने सदैव सबके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। उनकी उपस्थिति में सभी कार्य बड़ी शांति और सरलता से संपन्न होते थे। उनका व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था। किसी ने भी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। वे सबके साथ प्यार और ममता से मिलते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते, वह संबंध कभी भी नहीं तोड़ते थे। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग था। उनके मन में सबके लिए अपनापन था। सबके साथ फादर बुल्के का व्यक्तित्व सबसे अलग था। उनके मन में सबके लिए अपनापन था। सबके साथ होते हुए भी वे अपने व्यवहार, अपनत्व, वात्सल्य के कारण अलग दिखाई देते थे। वे सबके साथ एक सा व्यवहार करते थे। उनका मन करुणामय था। वे सब जान पहचान वालों के परिवारों की दुख और सुख की पूरी जानकारी भी रखते थे। हर समय हर किसी के दुख में दुखी होना तथा खुश में खुश होना उनका स्वभाव था। जब भी वे दिल्ली आते थे, समय न होने पर भी सबकी खोज खबर लेकर ही वापस जाते थे। जिससे रिश्ता बना लिया, उसे पूरी तरह से निभाते थे। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व की यादें मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनाती थी। फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से सन्यासी थे, परंतु वे मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी सबके होते हैं। वे किसी से भी विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते, परंतु फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते, उसे कभी तोड़ते नहीं थे। वर्षों में के बाद भी यदि आप उनसे मिलते, तो अपनित्व की झलक महसूस की जा सकती थी। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता। इसलिए वे परंपरागत सन्यासी से अलग छवि के सन्यासी थे। इनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत आने का मन बनाया। उनके मन में भारत आने की बात इसलिए उठी होगी क्योंकि भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र है, इसलिए उन्हें लगा कि भारत में ही उन्हें सच्चे अर्थों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए फादर बुल्के भी यही चाहते थे कि वो भारत में रहकर भारत के लिए और हिंदी भाषा के लिए काम कर पाएं। परंतु वे अपनी जन्मभूमि को भी कभी नहीं भूल पाए। रेम्स चैपल शहर उनकी आत्मा के एक कोने में बसा हुआ था। वे अपनी जन्मभूमि से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। जिस मिट्टी में वे पलकर बड़े हुए थे, उसकी महक हमेशा उनके अंदर आती थी। इसलिए लेखक ने यह पूछने पर कैसी है आपकी जन्मभूमि, फादर बुल्के ने तत्परता से जवाब दिया कि उनकी जन्मभूमि बहुत सुंदर है। यह उत्तर उनकी आत्मा की आवाज़ थी। हमें अपनी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर है। जन्मभूमि में ही मनुष्य का उचित विकास होता है। उसकी आत्मा में अपनी जन्मभूमि की मिट्टी की महक होती है। इसलिए फादर बुल्के भी अपनी जन्मभूमि को अत्यंत प्यार करते थे।